बिस्वा शर्मा ने बोला है कि उनका बड़ा बयान है इरफान अंसारी जिसने सीता और सोरेन के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, सरकार बनते ही उसे जेल में डाला जाएगा। बीजेपी की सरकार बनी तो इरफान अंसारी जो है वो जेल जाएगा। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ इस समय बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी हैं, सुभराष्ट्रा हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं। सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपको लगता है इरफान अंसारी का जो बयान है इसके ये एक व्यक्तिगत बयान है और कांग्रेस ने भी इस पर आपत्ति जताई है, वो कांग्रेस के नेता भी हैं? तो देखिए, ये व्यक्तिगत बयान नहीं है, ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन की जो घृणित मानसिकता है ये उसका बयान है। अभी शुभ्रास्ता जी बता रही थी, इन्हीं के तो एक नेता थे आजम खां, जो जयप्रता जी के अंतर्वस्त्रों के बारे में टिप्पणी कर रहे थे, और वही आजम खां लोकसभा में खड़े होकर पीठासीन पदाधिकारी महिला के बारे में उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया और 3 दिन तक अड़े रहे, माफी नहीं मांगी। अखिलेश यादव भी उनके साथ खड़े रहे, तो ये इनकी मानसिकता का प्रतीक है। और ये वही आजम खान जिन्होंने 2017 से पहले बुलंदशहर रेप के लिए कहा था ये तो रेप हुआ ही नहीं है, ये तो पॉलिटिकल है, आखिर में हाईकोर्ट से फटकार पड़ी थी तो बिना शर्त उन्होंने माफी मांगी थी। तो ये एक मानसिकता का प्रतीक है, रिजेक्टेड माल जैसे शब्द और कहना नहीं चाहिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी कांग्रेस के एक नेता टंच माल शब्द भी प्रयोग कर चुके थे। जी जी जी, तो ऐसे घोर अनुराग शब्दों की इनकी एक पूरी कड़ी है, ये अकेला बयान नहीं। भारतीय एक मिनट सुनिए, भारतीय जनता पार्टी जब महिला सम्मान की बात करती है तो पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। उन्हें महिला पहलवान भी याद आते हैं, बीएचयू की घटना भी याद आती है, हाथरस भी याद आता है, और उनके जो एक विधायक जो जेल में अभी बंद हैं वो भी याद आते हैं, और आपको उन्नाव की घटना भी याद आती है। तो इसलिए मत बोलिए आप। सुधांशु जी, आप जब बोलते हैं तो आपके मन में थोड़ा दर्द तो होता होगा बोलते समय, जी भी कपती है कि नहीं कपती है, या अंतरात्मा को तकलीफ होती कि नहीं होती महिला सम्मान की जब बात करते हैं? मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं कि तो 4 महिलाओं को हमने सम्मान में टिकट दिया, आपने कितने को दिए? तो आप बोलने को नहीं तैयार है, आप चले जाते हैं कहां से कहां। आजम खान पे क्या कार्रवाई करी आपने? उन्होंने इनरवियर ऑफ एक महिला नेता के बारे में बोला था, क्या कार्रवाई करी थी आजम खान पे आपने, बताएंगे जरा? वही तो मैं आपसे, भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है, मैं वही आपसे बोल रहा हूँ ना, भारतीय, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, 4 सीटों की बात कर रहा हूँ, महिलाओं को 4 सीटें दी, आप चार सीटें दे दी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बोलिए समाजवादी पार्टी ने, लेकिन उसके एवज में ये बोल सकते हैं सुभ्रास्ता, कमाल सुभ्रास्ता 30 सेकंड, सुभ्रास्ता आप सुभ्रास्ता 30 सेकंड। देखिए आमिश जी, मैं स्ट्रेटेजिकली इनके महिला जो 4 महिलाओं की बात ये कर रहे हैं कि सीट दी, उसकी मैं बखिया उधेड़ सकती हूँ कि वो सीट विनेबिलिटी फैक्टर कितना है, किन महिलाओं को दिया, मैं इसमें नहीं जाना चाहती। मैं सिंपल सी एक बात कहना चाहती हूँ, मैं झारखंड में मेरा जन्म हुआ है, मेरा ननिहाल झारखंड का है, मैं यूपी में हूँ, और मेरी मेरा ददिहाल बिहार का, इन तीनों जगहों पर महिलाओं के बारे में मैं किसी, सुन तो लीजिए अनुराग जी, महिलाओं की स्थिति को लेकर के मैं कुछ बात सम्मान करना चाहिए समाजवादी पार्टी का कि उन्होंने 4 महिलाओं को आधी आबादी को टिकट दी है। आप